सो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर प्रीएम्बल, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद हमने सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए। अब आज के इस टॉपिक में जो अब कॉन्टिन्यूटी में आता है वो क्या है? प्रीएम्बल। ठीक, अब हम प्रीएम्बल के बारे में, सबसे पहले देखो बेसिक चीज मैं आपको बता दूं प्रीएम्बल के बारे में, वो ये कि प्रियम्बल होता क्या है। सो गाइस, प्रियम्बल इज व्हाट? प्रियम्बल इज द जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिस्ट मतलब जैसे कि आप देखते हो सारांश जिसे हम बोलते हैं, तो निचोड़ वो है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि व्हाट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। वो सब चीजें किसमें बताई गई हैं, किसमें वो दिखाई गई हैं? वो दिखाई गई हैं हमारे इस प्रियम्बल में, ठीक है। प्रियम्बल हमारा क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलिमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26th नवंबर 1949, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है प्रियम्बल में, हमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये बताई गई है कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया किसने है। व्हाट द लास्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल सेज इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद को दिया है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर प्रीएम्बल की इट टेल्स अस कि हु हैज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री टू अस। इट इज वी द पीपल हु हैज गिवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके थोड़े हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स प्रीएम्बल के बारे में। देखिए गाइस, दुनिया में सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि यूएसए का था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। जो सबसे पहले प्रियम्बल का जिक्र अगर कहीं आया तो वो कहां पे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो गाइस, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हम यहाँ पे प्रियम्बल जो हमने ऐड किया है, ठीक है, वो हमने किसके किस पे बेस्ड है? वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड। और वो किसने ड्राफ्ट किया था और मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी आपके चाचू, ठीक है, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री थे। उन्हें हम चाचू भी बोलते हैं, चाचा जी भी बोलते हैं, तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे ड्राफ्ट किया, मूव किया और इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास करवाया था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा प्रियम्बल है ना, जब हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ये उसके बाद जाके इसे ऐड किया गया है। ये नहीं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी समय हमने बीच में इसको ऐड किया, नहीं। अगर कल को आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बन चुका था उसके बाद जाके ये प्रियम्बल ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सो द आंसर इज यस। पूरा ड्राफ्ट होने के बाद, एनफोर्स होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद जाके ये प्रियम्बल जो था उसे हमने ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट चीज जो आती है, प्रियम्बल क्या हमें बताता है? प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, मतलब उस समय जो फ्रेमिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे, ये उनके माइंड में क्या चल रहा था उस चीज को ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उनके आइडियल्स, उनके एस्पायरेशंस, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच कि वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग क्या सोचते थे, वो कैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे,
वो सब चीजें किसमें दिखती हैं? वो सारी की सारी हमें इस प्रियम्बल में दिखती हैं। और प्रियम्बल जो है, आज तक मैं बोलूंगा टिल टुडे, आज तक हमने सिर्फ एक ही बार उसको अमेंड किया है, और वो भी इन द ईयर 1976 में। प्रियम्बल में हमने एक अमेंडमेंट की थी, और 1976 में जब हमने अमेंडमेंट की थी वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने थ्री वर्ड्स ऐड किए थे हमारे प्रियम्बल में, वो कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। सो दीज वर द थ्री वर्ड्स विच वर एडेड इन अवर प्रियम्बल, एंड विच वर दोज वर्ड्स? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। और कौन सी अमेंडमेंट थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें इसको ऐड किया गया था इन द ईयर 1976। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, जो की वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में, जैसे कि ये वाले सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको हम क्या करेंगे, सॉवरन को, इन सबको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहला वर्ड जो आता है वो है सॉवरन। सॉवरन का क्या मीनिंग होता है? देखो, सॉवरन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सॉवरन मतलब कि हमारा जो देश है इंडिया, वो एकदम आजाद है। किससे? उन चीजों से कि बाहरी कोई ताकत हम पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, बाहर का कोई देश हम पे अपने आइडियाज बार बार फोर्स नहीं कर सकता। हम वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अपनी पॉलिसीज खुद बना सकते हैं, वी आर सेल्फ डिपेंडेंट, हम अपने एक इंडिपेंडेंट नेशन है। दिस इज व्हाट इट मींस सॉवरन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के बारे में अब आप देखो, कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन इट्स अवधि सेशन। ठीक, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो हमारे इंडिया में जो सोशलिज्म की हम बात करते हैं ना, वो किस मॉडल पे डिपेंड है? वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ऊपर डिपेंड। ठीक है, एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जैसे कि मतलब आप देखो चाइना में या रशिया में, वहां पे क्या है? कम्युनिस्ट सरकारें हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म की वहां पे बात की जाती है। वेयर एज जो इंडिया है, इंडिया में हम बात किसकी करते हैं? डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। ठीक है, तो ये चीज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ? जहां पे बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हो साइड बाय साइड। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, लीनिंग हेविली टुवर्ड्स द गांधियन सोशलिज्म। मतलब देखो, सोशलिज्म के जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो इसमें भी हम कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट अप्रोच, वो कम्युनिस्ट कंट्रीज अप्रोच ये रखती हैं अपने में। ठीक है, वो उस अप्रोच को फॉलो करती हैं, जैसे कि चाइना हो गई, रशिया हो गई, ये क्या है? ये मार्क्सिस्ट अप्रोच की तरफ ज्यादा लीनियन है। ठीक है, लीन करती है। वेयर एज जो इंडियन अप्रोच है सोशलिज्म की, वो हम गांधियन अप्रोच से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हम गांधियन अप्रोच, गांधियन प्रिंसिपल, गांधियन सोशलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्युलर। सेक्युलर का हम क्या कहते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर को हम सिंपल भाषा में बोलेंगे कि भाई, हैविंग अ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन बट गिव रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वली। मतलब इंडिया का खुद का कोई रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया हुआ, बट हर एक रिलीजन को इक्वली सम्मान देता है। देखो, दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज हैं वो कहती है हम इस्लामिक कंट्रीज हैं, कोई कहती है हम क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, कोई फलाना कंट्री है, कोई ढिमका कंट्री है, लेकिन इंडिया कहती है कि नहीं, वी आर सेक्युलर। हम कोई रिलीजन नहीं हम डिक्लेयर करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदू कंट्री है या इस्लामिक कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, हम एक नॉर्मल न्यूट्रल कंट्री है। ठीक है, जिसका कोई खुद का रिलीजन नहीं है, बट हम सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट जरूर देंगे, क्योंकि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे रहते हैं। कल्चर डाइवर्सिटी वगैरह का कंसेप्ट यहाँ पे काफी देखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वेरियस कल्चर्स, वेरियस रिलीजन, सारे रिलीजन जो है उनको हम इक्वली ट्रीट करेंगे। सो ये जो सेक्युलर टर्म थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि मैंने आपको बताई 1976 में हुई थी, उसमें ये वाली टर्म ऐड की गई। ठीक है, टर्म
टर्म एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म दैट इज ऑल रिलीजन्स इन अवर कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. क्लियर. नेक्स्ट आपका आता है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. वही चीज, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल. मतलब अल्टीमेटली पावर किसके पास लाई करती है? लोगों के पास. लोग हैं जो गवर्नमेंट बना भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं. तो इसीलिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. तो इस पावर अल्टीमेटली लाई किसके पास कर रही है हमारे यहां पे? टू द पीपल, इन द पीपल, लोगों में. सो इसका मतलब ये हुआ. नेक्स्ट आपका आता है रिपब्लिक. अब देखो रिपब्लिक के कंसेप्ट में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में. और इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years. देखो जो भी हमारे यहाँ का हेड है इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री. तो वो लेडी इज द रिपब्लिक हेड, हमारी कंट्री की हेड है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. उसी तरह से यूएसए का कौन है? बाइडेन. ठीक है, तो ये लोग क्या है? इलेक्टेड. लेकिन यूएसए में डायरेक्ट इलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू आया है, यहाँ पे इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जीतती है यहाँ पे. ठीक है, वो जब मैं आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक रहूंगा पार्ट 5 में, तब मैं आपको उसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, आने वाली मेरी वीडियोस में आप वो देख सकते हैं. अब लेकिन जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की, रिपब्लिक में देखो दो तरह की हम और भी बात कर सकते हैं. एक होता है वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन द किंग. सेकंड, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. क्लियर. अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि भाई आप लोग कह सकते हो कि ये जो इलेक्टेड मेंबर होता है, इलेक्टेड पब्लिक हेड जो होता है यहाँ पे इंडिया में, तो हम इलेक्टेड करते हैं और फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, अभी जैसे इससे पहले रामनाथ कोविंद थे 5 साल के लिए, अब उनके बाद इस समय जो एट प्रेजेंट है द्रौपदी मुर्मू जी हैं. ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो शी इज द प्रेजिडेंट, शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. तो ये चीज, अब इनका टाइम पीरियड फिक्स है. वेयर एज अगर हम ब्रिटेन की बात करें, वहां पर पब्लिक हेड कौन है? हेरिडिटरी चल रहा है बॉस, वहां पे रानी, क्वीन, क्वीन के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद जो भी उनकी फैमिली में हेड होगा वही उसको आगे लीड करेगा. ठीक है, क्लियर. सो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है. अब नेक्स्ट आपका आता है जस्टिस. जस्टिस की हम बात करते हैं कि भाई जस्टिस जो होगा, जो लोगों को न्याय दिया जाएगा, वो सोशल भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा और पॉलिटिकल भी होगा. ठीक है, और इसका जो है बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन से हमने इसका ये कंसेप्ट को ज्यादा हम इंक्लाइन है उसकी तरफ. तो ये कहता है कि भैया लोगों को आप सोशली भी जस्टिस दो, इकोनॉमिकली भी जस्टिस दो और पॉलिटिकली भी दो. मतलब हर एक को एक समान जीने का अधिकार है. सोशली, इकोनॉमिकली हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना बिजनेस वगैरह स्टैंड करने की. ठीक है, ये नहीं कि अगर कोई पर्टिकुलरली बहुत ही वेल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो सिर्फ उसी को मिलेगा. नहीं, आप नए अपकमिंग जो है बिजनेसमैन वगैरह या नई अप्रोच रखने वाले, उन लोगों को भी हम चांस दे सकते हैं. तभी तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में जब भी टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, इट इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. कोई भी बंदा उसमें भर सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ. तो थर्ड आपका आ जाता है पॉलिटिकल. कोई भी बंदा इलेक्शन अगर वेल डिजर्विंग है तो वो खड़े हो सकता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर सकता है. ये नहीं कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑलरेडी है, जैसे बीजेपी है, INC है, BSP है, तो इस तरह से ये जो पार्टीज है सिर्फ इन्हीं के बंदे खड़े होंगे. नहीं, इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते हैं लोग, वो भी जीतते हैं अच्छी तरह से. तो ये चीज. अब नेक्स्ट आपका आता है लिबर्टी. लिबर्टी मतलब आजादी. किस चीज की आजादी? लिबर्टी मींस द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज. मतलब हमें पूरी आजादी होनी चाहिए किसी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाने की और साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने की. लेकिन इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस लगती है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटी ना कर लो, अनलॉफुल चीजें ना ऐसे बोल दो, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. जैसे आपको पूरी आजादी है कि आप कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हो, उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, उस पर विश्वास रख सकते हो, उस पर फेथ रख सकते हो, अपने तरीके से उसके रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है,
तो ये चीज, ये आपको पूरी आजादी है। नेक्स्ट आपका आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या मतलब हुआ? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि हर एक को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि कौन बंदा किस, जैसे कि आप कहते हैं कि सोशली अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कोई रिच है, पुअर है, गोरा है, काला है, या फिर कोई अमीर है, कोई गरीब है, या कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, या शूद्र है, इन बेसिस के ऊपर, किसी भी तरह से इन बेसिस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल है, या कोई डीजी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, तो उसको हम कम सजा देंगे अगर उसने कोई क्राइम किया है। ऐसा कुछ नहीं। अगर क्राइम किया है तो दे ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजिशन। तो नेक्स्ट आपका आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा, ठीक है। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, मतलब ब्रदरहुड। सो ये क्या सॉरी ये क्या कहती है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड टू एश्योर टू थिंग्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। वर्ड इंटेग्रिटी हैज बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब कि भाई ये जो वर्ड है आपका फ्रेटर्निटी, ये क्या कहती है? एक तो बंदे की डिग्निटी होनी चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, और साथ में यूनिटी, इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब ये लोगों में आपसी भाईचारा मेंटेन होना चाहिए, और साथ ही साथ पूरे देश में भी एक तरह की यूनिटी होनी चाहिए। अगर देश के ऊपर बात बनाए तो ये नहीं सोचना चाहिए, सॉरी एक्सक्यूज मी, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस प्रांत के हैं तो हम नहीं खड़े होंगे अपने देश की रक्षा के लिए। जब देश के लिए खड़े हो, देन वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, तो ये कोई भी चीज मायने नहीं रखती। जब देश को जरूरत है तब सब आगे आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये प्रियम्बल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? देखो ये चीज, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये बताता है इट्स अ जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? पहला एक केस था बेरूबरी यूनियन केस 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रियम्बल जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेटर ऑन इन द ईयर 1973 केशवानंद भारती केस, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था अप्रोक्सीमेटली 15 जजेस का, उसमें बोला गया, माना गया कि प्रियम्बल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन अगेन इन द ईयर 1995 एलआईसी ऑफ इंडिया केस में भी यही चीज जजमेंट दोबारा आई कि सुप्रीम कोर्ट ने अगेन हेल्ड किया कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कल को देखो आपको एमसीक्यू में आ जाएगा, पूछ लेंगे कि अंडर विच अमंग द फॉलोइंग अंडर विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसका जवाब क्या है? बेरूबरी यूनियन केस, ठीक है, बेरूबरी यूनियन केस में बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। वेयर एज केशवानंद भारती केस और एलआईसी ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था, इसमें बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। नेक्स्ट अब आपका आता है स्टेटस ऑफ प्रियम्बल। ठीक, स्टेटस ऑफ प्रियम्बल के लिए आपको मैं इतना बता दूं, लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वॉज ऑल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। वही चीज कि ये कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड किया गया? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हुआ था, पूरा इनेक्ट हो चुका हुआ था, उसके बाद हमने प्रियम्बल को इसमें एड किया। द प्रियम्बल जो है इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर एंड नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। हम प्रियम्बल के बारे में कह सकते हैं कि ये देखो कोई सोर्स नहीं है पावर का लेजिस्लेचर के लिए, ना ही ये कोई रुकावट है या ऑब्स्टेकल है लेजिस्लेचर के लिए कि उसे लॉज बनाने के लिए उसकी पावर के ऊपर, ठीक है। अब ये जो प्रियम्बल है इट इज नॉन जस्टिशियबल, दैट इज कि इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिकॉज देखो किसी भी चीज को हमने अपने प्रियम्बल में कई वर्ड्स ऐसे यूज किए हुए हैं, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल को लेके, तो वो क्या कहते हैं कि भैया हमने इक्वली सबको ट्रीट करना है, सारी चीजें हम एक बेनिफिट्स देंगे, वेलफेयर ऑफ द पीपल करेंगे, लेकिन ये सब चीजें कब पॉसिबल होंगी? ये सब चीजें तब पॉसिबल होती हैं
जब हम एक खुद डेवलप्ड नेशन बन गए हो, ठीक है। जब तक अभी हम लोग खुद डेवलपिंग में हैं, तो हम लोग कैसे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल कैसे भी हम कर सकते हैं पूरा, इसीलिए अभी हमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमने ये जो इसके प्रोविजंस हैं, इसके जो फीचर्स हैं, उन्हें क्या रखा है, नॉन जस्टिशियबल, मतलब कि आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दिन आएगा जब इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी और ये सब फीचर्स भी एनफोर्सेबल होंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप अ फेथ ऑन अवर प्रेसिडेंट, ऑन अवर प्रेसिडेंट एज वेल एज ऑन द प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली ऑन मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उनपे हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, वो हमारे देश को जिस प्रोग्रेस से आगे बढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे स्पीड में चल रहे हैं, और वन डे हमारी देश की इकोनॉमी भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड होगी, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आपका आता है अमेंडेबिलिटी टू द प्रियम्बल। आज तक हमारा प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? देखो, आज तक हमारा जो प्रियम्बल है वो सिर्फ एक ही बारी अमेंड हुआ था, और वो कब हुआ था, इन द ईयर 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसमें थ्री वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी टू द प्रियम्बल। सो एक बार अब हम इसे पढ़ लेते हैं। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स, द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच हैज एडेड थ्री वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी टू द प्रियम्बल। अब देखो ये क्या कहती है बात अमेंडेबिलिटी और प्रियम्बल के बारे में, कि देखो प्रियम्बल को हम इतना आसानी से चेंज नहीं, मतलब अमेंड नहीं कर सकते, और खासकर तो 368 आर्टिकल में हम तो ये अमेंडमेंट मान भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा, वो उसको अमेंड करेंगे, देन ओनली, ठीक है। और जब भी कभी अगर अमेंडमेंट होती है तो उसमें एक चीज का हमेशा याद रखना है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बेसिक फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो खराब नहीं होने चाहिए, वो उन्हें इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन ओनली वी कैन इजिली अमेंड द प्रियम्बल, अगर विदाउट हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी अमेंडमेंट होगी उसे हम अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट नहीं मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक ही बारी अमेंड हुआ था, और वो हुआ था 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने थ्री वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी टू द प्रियम्बल। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।